नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। निर्भया के दोषियों को फांसी की नई तारीख आज फिर जारी नहीं हुई। अदालत ने इस केस की सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी। इस दौरान कोर्ट में मौजूद हुई निर्भया की मां वहीं रो पड़ी और जज से दोषियों के नाम डेथ वारंट जारी करने की अपील की। उन्होंने अदालत से पूछा कि मेरे अधिकारों का क्या होगा, मैं हाथ जोड़कर आपके सामने खड़ी हूँ, प्लीज डेथ वारंट जारी कर दीजिए, मैं भी इंसान हूँ, 7 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। और ये कहते कहते ही वह अदालत के अंदर रो पड़ी। सुनवाई डल जाने के बाद नाराज माँ अदालत के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं और हमें न्याय चाहिए के नारे लगा रही हैं। जज ने उन्हें आश्वासन दिया कि आपको सुनने के लिए कोर्ट लगा है, आपको सुना जा रहा है। सुनवाई के दौरान निर्भया के पिता ने जज से कहा कि अगर आज दोषियों को वकील दिया जाता है तो यह निर्भया के साथ अन्याय होगा। जज ने इस पर कहा कि कानून ने दोषियों को कुछ अधिकार दे रखे हैं, उन्हें वे अधिकार लेने न दिए जाएं तो फिर अन्याय होगा। इससे पहले इस मामले पर मंगलवार को हुई सुनवाई में भी निर्भया के माता पिता ने अदालत से कहा था कि दोषी करार दिए गए व्यक्ति कानून का मजाक उड़ा रहे हैं। जज ने कहा कि नियम के हिसाब से वकील देना होगा। इसके बाद निर्भया के पिता ने कहा, हम इंसाफ चाहते हैं। फिलहाल लीगल एड के सीनियर व्यक्ति कोर्ट में पहुंचे। कोर्ट में लीगल एड के वकीलों की सूची को दोषी पवन के पिता को देने को कहा। पवन के पिता ने कहा कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। कोर्ट ने कहा कि इनको हिंदी में वकीलों के नाम बताएं। तिहाड़ जेल प्रशासन और निर्भया के माता पिता दोनों ने ही अर्जी दाखिल कर फ्रेश डेथ वारंट जारी करने की मांग की। सरकारी वकील ने कहा कि आज की तारीख में किसी भी दोषी की कोई याचिका लंबित नहीं है, ऐसे में डेथ वारंट जारी किया जाए। उन्होंने कहा कि दोषी पवन के लिए एपी सिंह ने नोटिस नहीं लिया, अब पवन के पिता नया वकील करेंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने 5 फरवरी को कहा था कि निर्भया के चारों दुष्कर्मियों को अलग अलग फांसी नहीं दी जा सकती। हालांकि अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि दोषी को 7 दिन में अपने सभी कानून विकल्प पूरे करने होंगे। पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया के चारों दोषियों मुकेश, अक्षय, पवन और विनय की फांसी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी थी। केंद्र और तिहाड़ जेल प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। केंद्र ने अपनी याचिका में हाईकोर्ट के इसी फैसले को चुनौती दी थी। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी दिल्ली के साथ।